जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भागलपुर जिले के सनहौला में मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का चुनाव 28 जून को होना है। सनहौला प्रखंड में एनआर कटाने की प्रक्रिया के साथ साथ आज नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू की गई। नामांकन 15 और 16 जून तक चलेगा। प्रखंड सह निर्वाचित पदाधिकारी विनय शंकर ने बताया कि नामांकन के बाद परीक्षा 17 और 18 जून को होनी है। 21 जून को नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और 28 जून को सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। पहले दिन 33 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, जिसमें 2 मंत्री पद और 3 अध्यक्ष पद, बाकी के कार्यकारिणी और सदस्य पद के लिए नामांकन किया गया। नामांकन के दौरान मंत्री पद के प्रत्याशी संदीप सुमन ने कहा कि मत्स्यजीवी विभाग में सरकार के द्वारा कई तरह का फंड दिया जाता है, जो कि इस परिवार तक नहीं पहुंच पाता। पत्रकारों से बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि अगर हम मंत्री पद से जीत दर्ज करते हैं तो सभी मत्स्यजीवी परिवारों को सरकार के सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। साथ ही इस परिवार के लिए अलग से सरकार के पास कानून का प्रस्ताव रखेंगे, ताकि इनके सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जगत न्यूज 24 के लिए भागलपुर बिहार से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? संजीत सुमन। किस पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं? आज मंत्री पद मत्स्यजीवी सहयोग समिति सनहौला के द्वारा हमने के नाम अपना नॉमिनेशन करवाए हैं। सनहौला प्रखंड पूरे क्षेत्र पड़ता है। अगर मत्स्यजीवी परिवार के जितने भी लोग हैं और अगर आपको इस बार जिताकर मंत्री बना देते हैं तो आप उनके लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या होगा? हमारा प्राथमिकता है जो सरकार का जो एक्ट कर रहा है, उस एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत में बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको धरातल को उतारने का काम करेंगे। हर एक निचले तबके लोग को, इसमें चाहे सोसाइटी का मेंबर है नहीं भी है, उन तमाम हमारे इस समाज के लोग को जो सरकार के द्वारा दे लाभ है उसको दिया जाएगा। अलग से हम लोग ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो हट करके हो, जिसमें से कि जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मेंबर है उसका आम सभा जो होता है, उस आम सभा से सहमति लेकर के कुछ अपना सोसाइटी का अलग कानून बना करके छोटे छोटे लाभ हम उन तमाम लोगों तक देना चाहते हैं, जिससे तत्काल, चाहे वो दुर्घटना का हो, चाहे वो अचानक मृत्यु का सवाल हो, या किसी की बेटी का शादी हो, इन तमाम छोटे छोटे छोटा छोटा सहयोग दे करके, अनुदान दे करके उनको एक सोसाइटी के तहत से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही जो संजीत कुमार जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संजीत कुमार जिंदाबाद, शैक्षणिक स्तर पर जो हम लोग का समाज आज भी बहुत पीछे है, उनको हमको और आगे ले जाना है। सरकार का जो व्यवस्था है सोसाइटी एक्ट के तहत में, उन तमाम तरह के हम उस सुविधा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और पूरा जिला सनहौला मॉडल होगा और पूरा बिहार इसको देखेगा और सनहौला बिहार मॉडल में जाना जाएगा। उस समय ज्यादा गर्व महसूस होगा इन तमाम लोगों को, जब हम हट के काम करेंगे, जब अपना स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करेंगे तो हर एक लोग को लाभ होगा। और आप जानते हैं कि आज कोऑपरेटिव इस सोसाइटी के तहत में हम कोऑपरेटिव का अलग से एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से अपने ही समाज से कुछ चंदा करके उसमें कॉर्पस मनी होगा, कॉर्पस मनी को लेकर के सरकार के यहाँ खाता होगा और उसका संचालन के लिए आप जानते हैं जो कॉर्पस मनी होता है उसका 4 गुना सरकार उसमें दे करती है। सर, इतनी दिनों से इस विभाग का चुनाव होता आ रहा है और इसी तरह जीतता चला जाता है, लेकिन अब तक इन परिवारों का जो है, निषाद परिवार जो है, मछुआ विभाग का जो है, इनका अभी तक उत्थान नहीं हो पाया है। सर, इनके लिए आप क्या करेंगे? हम इसके लिए सबसे पहला जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ इसका मुख्य कारण है जो आज हर एक हमारे समाज के निचले तबके लोग को उठने नहीं दिया है। अब जिसका जो रेवेन्यू है सरकार का, उसका 10 गुना चार्ज लिया जाता है और वो सीधा का सीधा एक आदमी के पैकेट में चला जाता है, मंत्री के पैकेट में चला जाता है। और उसको अगर हम लोग, उस फंड को अगर हम लोग इकट्ठा कर लिया जाए तो प्रत्येक साल 7 लाख 8 लाख रुपया जमा होगा। उस पैसे से हम लोग निचले स्तर के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे शैक्षणिक स्तर में नीचे है तो उसको एक कोचिंग संस्था खोल करके उसमें एक अच्छा शिक्षा दिलाया जा सकता है। जिसके घर में बेटी का शादी है, सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला रही है, 5,000 रुपया दिया जाता है। हम लोग भी ऐसा कानून बनाएंगे, जो मेरे फंड में जो राशि होगा उसको हम 5,000 रुपया या अन्य जो फैसला होगा, जो हमारे समाज के सोसाइटी के मेंबर है, जो हमारे समाज के मेंबर है, उनके फैसला के अनुसार से हम लोग उसको लागू करेंगे कि कितना 1,000 रुपया देंगे। मृत्यु अगर हो जाता है किसी का, एटेंडम
रिकवरी अंत्येष्टि से सरकार पैसा देती है लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग सोसाइटी के तहत में तुरंत उसको भुगतान करेंगे, चाहे जिस जगह हुआ है वहां तक पहुंच करके वहां भुगतान किया जाएगा। ऐसे ऐसे तमाम योजना, बहुत सारी योजना को हम लोग धरातल पर लागू करेंगे जिससे हर लोग को लाभ होगा।